हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ फिनिश ये बजा अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो चुका है। और आज की दिन की बात करें तो देखिए, आज मार्केट क्रैश हुई थी, उससे रिलेटेड वीडियो डाली है। निफ्टी के टारगेट बताए गए हैं, मार्केट क्यों क्रैश हुई थी, कि आपको निकल जाना चाहिए और नीचे मार्केट आएगी तब खरीदना चाहिए, इससे रिलेटेड सारे सवाल के यहाँ पर जवाब है। तो इस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा। कल के दिन में काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आए, तो उससे रिलेटेड बाकी तीन स्टॉक से रिलेटेड बातें करी थी और एक पर्टिकुलर स्टॉक है उससे रिलेटेड आपको कंपनी स्टडी करके हमने बताई थी, जिसमें आपको 78% के गेन मिल सकते हैं। तो ये सारी भी बातें हो गई जो हमने अभी तक किया है, और हमारे इसी तरीके की वीडियो आपके पास आती रहती है। और बात करें यहाँ पर, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको कोई शेयर से रिलेटेड बातें, अगर आपको शेयर्स देखने हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट शेयर्स भी हमने पकड़े थे, वो देख सकते हैं। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोज डाल रखी है। और यहाँ पर जो बिगनर है स्टॉक मार्केट में, नए आए हैं, उन्हें जो डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो इन वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस तरीके की वीडियो के लिए दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि वो भी सीख सके। और आज की जो वीडियो है, चार शेयर से रिलेटेड हम बातें करेंगे, SIS लिमिटेड, पॉलीमेड, एमटार और IEX। तो अगर बात करें ये चार शेयर के बेहतरीन रिजल्ट के बावजूद भी ये शेयर गिरते जा रहे हैं, और क्या हमें निकल जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है। काफ़ी लोगों को ने काफ़ी अपर लेवल पर खरीद रखा है और उन्हें अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो क्या व्यू होना चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और बट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको ट्रेडिंग डीम अकाउंट ओपन कराना है, क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SIS लिमिटेड। SIS लिमिटेड की बात करें तो ये शेयर देखिए आज के दिन में 412 रुपए के आसपास आया था, ओके। और ये जब शेयर 350 रुपए के आसपास था, अगर मैं आपको सही बता दूं, तो यहाँ पर जब ये शेयर था, मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि शेयर को लीजिए, उसके बाद 100 रुपए तक की रैली, इसने 450 रुपए तक की रैली बनाई थी, ओके। इसका बाईबैक आया था, मैंने बता दिया था बाईबैक आया है, उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब दोबारा इसके रिलेटेड वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस शेयर में मिलने को आ रही है। बात कर रहे हैं, देखिए डेट है 93% का, और कंपनी करती क्या है इससे रिलेटेड पूरी की पूरी हमने एक इंफॉर्मेशनल वीडियो कंप्लीट स्टडी करके बना रखी है, उसका ऊपर लिंक दे दूंगा उसी वीडियो का, जिसमें मैंने 350 रुपीज पर ये शेयर बताया था और अच्छा खासा गेन, जिन लोगों ने भी देखा अच्छा खासा गेन हुआ है, ओके। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता चल जाएगी। बट अगर बात करें, देखिए मार्केट कैप यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी ज्यादा पैसा नहीं लगाते, बट स्टिल आप अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई भी पोजिशन लीजिएगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट की स्टॉक कैसा है, मैं अपनी खुद की राय दे रहा हूं और आपको क्या करना है वो आपको खुद देखना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर। यहाँ बात कर रहे, देखिए सेल्स सबसे ज्यादा सेल्स यहाँ पर इस बार की होती हुई दिखाई दी है, इस बात को ध्यान दीजिए। प्रॉफिट की बात करें, ओके, हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट तो नहीं है, बट यहाँ पर हाईएस्ट लेवल सेल्स है, नेट प्रॉफिट भी लगभग अच्छा खासा है, और अगले बार जब क्वार्टर आएगा तो और ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आप देखेंगे तो 358 10 साल पहले 358 करोड़ की सेल्स थी और आज 3000 करोड़ की सेल्स है। नेट प्रॉफिट भी 15 करोड़ 57 करोड़ तक चला गया, और यहाँ पर पेंडेमिक का असर था, इस वजह से यहाँ पर ये सेल्स यहाँ पर प्रॉफिट में आपको कमी दिखाई दे रही है, वरना ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी और आगे भी करेगी। इसके जो टारगेट है काफी अच्छे हैं और यहाँ पर रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, बोराइंग यहाँ पर इन्होंने ली है, बट यहाँ पर अगर बात करें फिक्स एसेट भी अच्छे खासे हैं इनके पास, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है, कैश भी इनके पास अच्छा खासा है। और बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो भी देखिए लगभग थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, बट कोई इशू नहीं है, 72-73% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, FIs के पास 12% की, DIs का 6% की, और पब्लिक के पास ना के बराबर थोड़ी सी हिस्सेदारी है, ओके। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, 9% की हिस्सेदारी। और बात करें, ये शेयर काफी बेहतरीन शेयर है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड, तो देखिए ये शेयर जब यहाँ पर था, अगर बात करें हमने यहाँ पर पकड़ा था और आपको बताया था एक अच्छा खासा रैली आई थी, उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट आ रही है, और यहाँ पर अगर देखे तो ये थोड़ी सी, अगर यहाँ पर एक शेयर अब बाय ऑन डिप्स करने का टाइम आ गया है, आप इसे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, देखिए दो तीन चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 51 के RSI पे शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर, मैं पूरा का पूरा यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ इस ड्रॉइंग को, और तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इस शेयर ने यहाँ पर एक यहाँ पर देखे तो बार बार यहाँ पर एक दो बार यहाँ पर इसने स्टॉप लिया है, रेजिस्टेंस बनाया है, पिवट्स पॉइंट्स कह सकते हैं इन्हें। और अगर बात करें, देखिए यहाँ पर से एक
एक यहाँ पर ये बना, एक इसका है शोल्डर, इसके बाद यहाँ पर इसने एक हेड बनाया और फिर दोबारा एक शोल्डर बनाने के लिए शायद ये नीचे आ रहा है। और जब ये नीचे आए तो दोबारा खरीद लीजिएगा क्योंकि इसके टारगेट काफी बेहतरीन आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल बेसिस पे तो यहाँ पर लगभग अभी ये, इसके बाद मैं आपको लॉन्ग लॉन्ग चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ओके, जो आपको आपते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अभी आपको बाय ऑन डिप्स करनी है, कितना नीचे जाएगा आइकन से, ओके, और अच्छा खासा नीचे जाता है तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलेंगे काफी बेहतरीन अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बट आज की डेट से भी अगर देखा जाए, ओके, तो ये अच्छा खासा भागने वाला है। और बाकी निफ्टी देखिए अभी गिरी है थोड़ी सी, तो अभी अपॉर्चुनिटी है ये शेयर खरीदने की, बाद में ये अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले। 34-35% के शेयर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की भी बात करूं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर बात कर रखी है कि ये शेयर किस तरीके का चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी इसी तरीके की, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैंडेमिक से पहले यहाँ पर चल रहा था शेयर, और अच्छी खासी यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पैंडेमिक से पहले अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आई है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ तक तो ये शेयर को जाना ही जाना है, तो इससे इस टारगेट को लेके भी आप पकड़ सकते हैं इसका। और बाकी फाइनेंस इसकी जो और दूसरी स्टडी है पूरा इसका, जो मैंने आपको बताया कि ये शेयर का टारगेट इसके जो ये ऑल टाइम हाई है यहाँ तक जा सकता है, इसके लिए मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा क्योंकि अभी अगर इस वीडियो में बनाऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगर दूसरे शेयर की बात करते हैं तो दूसरा शेयर यहाँ पर दे देते हैं, इससे रिलेटेड काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका क्या करें, मुझे बहुत बेहतरीन लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए गलती क्या करते हैं लोग कि टॉप पर जब शेयर चल रहा होता है ना तब खरीदते हैं, जब बॉटम पे शेयर होता है ना तब बिल्कुल नहीं खरीदते। अब उन्हें डर लग रहा है यहाँ पर ये बेच देंगे, और जब एक बार यहाँ पर बेच देंगे तो क्या होगा, ये शेयर फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा, फिर उन्हें लॉस लॉस रिकवर तो होगा नहीं बल्कि लॉस होता रह जाएगा। तो इस तरीके से नहीं किया करते। हमेशा याद रखिए कि जब चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन आपको नजर आ रहा है, ओके, जब सारी सिचुएशन इसके फेवर में हो तो आपको तब खरीदना होता है। यहाँ पर बात करें डेट की, 11% का ही डेट है, अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आई हुई है, आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। बाकी रिजल्ट से रिलेटेड बात करूं, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, ईयरली बेसिस पे सबसे अच्छा यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर सबसे बेहतरीन सब अभी आज तक सबसे बेहतरीन यहाँ पर प्रॉफिट है। तो हर एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ दिस कंपनी। तो आपने ऊपर लेवल पर लिया है वो आपकी गलती है, बट आपको अपनी अब दूसरी गलती क्या नहीं करनी। देखिए एफआईज ने भी कितनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, तो इस चीज को समझिए। और बाकी अभी आपको क्या करना है, आपको ये शेयर सेल नहीं करना है क्योंकि अगर आप यहाँ पर शेयर को सेल कर देंगे ना तो फिर आप एक अपॉर्चुनिटी तो खो ही देंगे। अभी क्या करना है, अभी आपको बाय ऑन डिप्स करना है, मेरी बैंक से इनकी रिकमेंडेशन है पहले कह देता हूँ, वरना आप कोई लोग ले ले फिर उसके बाद आप मुझे गाली दे बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से लीजिए, मेरी ये स्टडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर बात कर रहे थे कि आरएसआई की बात करें, 45 की आरएसआई पे चल रहा है, ये शेयर कहाँ तक गिर सकता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज मार्केट गिरी थी तो ये गिरा, वरना यहाँ पर इसी कंसोलिडेशन फेज में। और अगर बात करें इसका जो ये लेवल है, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये इसके पाइवस पॉइंट्स आ रहे हैं, लगभग 938 रुपए तक ये शेयर 950 रुपए तक आ सकता है। फिर इसके बाद अगर और ज्यादा गिरा तो ये 822 तक भी आ सकता है, ओके, बट इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स करना है। और ये शेयर कभी भी यहाँ पर दोबारा ऊपर जा सकता है, तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ बाय ऑन डिप्स करिए। मैंने भी इसे जब बताया था उसके बाद ये लगभग 10% तक भागा था, उसके बाद यहाँ पर नीचे गिर भी गया था और अभी मुझे भी थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है हम निकल जाएंगे, यहाँ पर हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर गेन की, तो देखिए ये गेन तो हमें मिलने ही मिलने हैं, अगर 3 महीने आप रुक जाते हो तो 20% के गेन आपके आसपास में है, इस अभी से बता रहा हूँ, और थोड़ा और सा और गिरता है तो ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑल टाइम हाई पे शेयर चल रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो ये शेयर को फायदा हो गई क्योंकि जो टेस्ट किट ये बनाता है यही बनाता है जो कोविड के टेस्ट हुआ होगा आप लोगों का, तो आपके नोज में एज वेल एज आपके माउथ में एक स्टिक डाली जाती है, वो यही प्रोडक्ट यही ये पॉलीमेड ही बनाता हुआ नजर आता है। और बाकी बेहतरीन रिजल्ट है, एफआईज ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, शेयर को ऊपर जाना ही है। तो पॉलीमेड ये दूसरा शेयर हो गया, बेचने की गलती मत करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना। इसके अलावा अगर बात करें एक और शेयर यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एमटार कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, फिर बता रहा हूँ यहाँ पर शेयर फिर दोबारा गिर चुका है। ओके, यहाँ पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आया है, हाईएस्ट एवर इसने सेल्स दिखाई है, ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हर बेस पे। ओके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर बात करें, एफआईएस की होल्डिंग भी है, डीआईएस की होल्डिंग भी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी है, पब्लिक की होल्डिंग भी है अच्छे खासे तरीके से, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और बात करें एमटार की, तो यहाँ पर यह शेयर कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो इस शेयर की तरफ आप ध्यान दीजिए। ओके, ये शेयर भी अलग से यहाँ पर लास्ट टाइम भी आपको बताया था, चार्ट पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर कभी भी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये यहाँ पर देखिए सपोर्ट, लास्ट टाइम भी एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, दोबारा यहाँ पर ही सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। और इसके टारगेट की बात करें, तो इसका टारगेट यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, इसका टारगेट नजर आ रहा है 1200-1300 रुपये तक का ये टारगेट नजर आ रहा है, और इसे ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा जिस दिन ये ऊपर चला गया, थोड़ा और नीचे जा सकता है, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट यहाँ पर अब अगर अभी बाय ऑन डिप्स करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी रिवर्स हो सकती है कैंडल। ये हो गया तीसरा शेयर, ओके एमटार। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। आईएक्स की अगर हम बात करें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की, तो आपको पता है मार्केट कैपिटल अच्छा है, और पावर के सेक्टर यहाँ पर चल रहे हैं, पावर के शेयर चल रहे हैं, और जब पावर के शेयर चल रहे हैं तो इज अ पावर एक्सचेंज, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये तो इन सबका बाप है, डेट नहीं है, प्लेजिंग नहीं है। ओके, यहाँ पर सबसे बड़ा शेयर है, पूरा एक एक्सचेंज कह सकते हैं, एक्सचेंज नाम रखा है, तो एक्सचेंज हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट है, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने अच्छा खासी यहाँ पर होल्डिंग ले की है। डीआईएस पब्लिक, डीआईएस की बात करें, डीआईएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईएस ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएस ने थोड़ी सी कम करी है, पब्लिक के पास यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है, और यहाँ पर बात करें पब्लिक का थोड़ी बहुत ही है, बाकी यहाँ पर बात करें दूसरे पर्टिकुलर शेयर्स ने यहाँ पर एचएनआईज ने यहाँ पर और बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग ले रखी है। तो यहाँ पर ये शेयर देखिए भागा ही था, बट आज मार्केट गिर गई तो दोबारा गिर गया है, वरना ये आपको इस लेवल पर मिलते ही नहीं, यहाँ पर जा चुका था, ओके अच्छा खासा, फिर आज की डेट में मिल गया, तो एक अपॉर्चुनिटी दोबारा आपके लिए बन रही है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भी एक कप विद हैंडल पैटर्न छोटा सा बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक कप बना रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक हैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। और जब इस तरीके का ये चार्ट पैटर्न बनते हैं, तो आपको हमेशा हमारी वीडियो में आपको बताया ही जाता है कि ये जो इसके बॉटम से लेके इसके जो अपसाइड के टारगेट होते हैं, ये आपको मिलने ही मिलने होते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस हिसाब से आप काम करेंगे। तो सॉरी, एक मिनट दीजिए मुझे। तो अगर हम यहाँ पर से देखें, तो यहाँ पर से आप 22% और ऊपर से यहाँ पर इसे लगा लीजिए 20%, तो ये, और यहाँ पर से ये जो शेयर यहाँ पर गिरा हुआ है नीचे, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना जो इसका पहला टारगेट है, पहला टारगेट तो इसका यही आ रहा है जो इसका लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था, यहाँ तक तो इसे जाना ही जाना है, जो कि ये है 410 रुपये तक, जो कि 15% के गेन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और इसका जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से टारगेट आ रहा है, वो आ रहा है ये 450-460 रुपये के, जो कि 30% के गेन है, जो कि अगले क्वार्टर तक मुझे लगता है कि 3 महीने में मिल जाना चाहिए, बाकी 6 महीने भी लग जाते हैं तो कोई बुरा रिटर्न नहीं है 30% के रिटर्न। ओके, 30% के रिटर्न का मतलब है साल में 60%, और 60% के रिटर्न का मतलब है 40% की CAGR, जो कि काफी बेहतरीन होती है। तो थोड़ा और गिरता है, बाय ऑन डिप्स करिए, अदरवाइज यहाँ पर से एक्युमुलेट करना शुरू कर दीजिए, मैंने कर दिया है। बाकी बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चार शेयर आईएक्स, एसआईएस, पॉलीमेड एज वेल एज एमटार, इन शेयर से रिलेटेड आपको बता दिया है, आपको बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।